नमस्कार दोस्तों, अभिषेक साठी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मास्टर स्ट्रेटजी की सीरीज में लेकर आया हूं मैं आपके लिए, ये वीडियो क्रमांक 4 हो सकता है। तो आप इसके पहले जो भी वीडियो नहीं देखी हैं, आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिए, वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है तो वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। पहली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, यदि आप उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप आई बटन पर देख सकते हैं। इसके पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई थी वो टाइमिंग से लेके बनाई थी, मैंने फर्स्ट वीडियो में 4 पॉइंट 5 पॉइंट बताए थे उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस से रिलेटेड बात करेंगे। प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, सी टेट जो हमारा मिशन है, सी टेट जनवरी 2024, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि थोड़ा जो कम नंबर से या कुछ नंबरों से रह जाते हैं तो अब हमें रीस्टार्ट नहीं करना है, रीस्टार्ट पर वार, सी टेट अब की बार पार, तो उसी को लेकर मैं चल रहा हूं। तो यहां हमको एक एक बात को समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या गलतियां जो हम करते हैं या क्या चीज़ें हम भूल जाते हैं, जो हमारी मिस्टेक हो जाती हैं या क्वेश्चन छूट जाते हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। तो ये प्रैक्टिस की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन इसको आप पूरा देखेंगे तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। यदि आपको नहीं आता है कुछ भी तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं या इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और आप वहाँ मैसेज करिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले पेपर वन की, जब आप प्रैक्टिस करने बैठें, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप पहले तो सिलेबस प्रिंट आउट निकाल लीजिए। सिलेबस आपने निकाल लिया है तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे CDP में 30 क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 30 क्वेश्चन आते हैं, उन 30 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 to 30 ये आपके पेपर में फिक्स हैं कि जो जो सब्जेक्ट हैं वो किस किस सिक्वेंस में आएंगे। तो सबसे फर्स्ट सिक्वेंस आपका जो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो होता है वो होता है CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एंड पेडागोजी। फिर आता है मैथ्स जो होता है 31 to 60 यानी 30 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट आता है EVS 61 to 90। यहाँ तक पेपर सॉल्व करने में किसी को कोई परेशानी जाती नहीं है, नॉर्मली देखा गया है। क्या होता है कि लोग CDP कर लेते हैं और उसके बाद मैथ्स में आते हैं, और मैथ्स के क्वेश्चन जब सॉल्व करने बैठते हैं तो कई बार इसमें ही आप टाइम ले जाते हैं सबसे ज़्यादा, ताकि फिर आपके जो नेक्स्ट जो सेक्शन है और उनके लिए आपके पास टाइम बचता नहीं है। उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मेरा सजेशंस रहेगा आपके लिए कि आप यदि मैथ्स में अच्छे भी हैं या एवरेज भी हैं, तब भी आप CDP के बाद EVS करने की कोशिश करिए। यदि आप EVS और लैंग्वेज कर लेते हैं तब आपके पास मैथ्स के लिए टाइम बच जाएगा, और यदि आप मैथ्स में ही सारा टाइम दे देंगे तो नेक्स्ट आप देखिए 30 30 30 30 30 30 30 यानी 90 क्वेश्चन आपके रह जाते हैं, और वो क्वेश्चन आपके रह जाते हैं, इसी वजह से आपके कुछ मार्क्स या क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, लास्ट तक आपके पास टाइम ही नहीं बचता है। तो जैसे मैंने टाइम के बारे में बात की है, तो टाइम के लिए आप मेरी पिछली वीडियो जो मैंने इसके पहले बनाई है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए कि मैं कितना टाइम लेके चल रहा हूँ। एवरेज मैंने टाइम आपको वहाँ बोला था 120 मिनट आपको लेके चलना है, 150 मिनट नहीं लेके चलना है। जैसा कि आपको पता होता है कि पेपर में मुझे 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा 120 मिनट लेके चलने के लिए। क्यों, इसकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं लैंग्वेज वन। यहाँ थोड़ी सी गलतियाँ लोगों से हो जाती हैं। लैंग्वेज वन, जैसे आपने हिंदी ली है तो अदर देन लैंग्वेज टू होगी आपकी, जो भी होगी, यदि आप इंग्लिश लिए हैं या संस्कृत लिए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, जब भी आप लैंग्वेज वन सॉल्व करेंगे वहाँ पर भी आपको भाग एक और भाग दो सेक्स है ना, पार्ट वन पार्ट टू मिलेगा। तो आपको पार्ट वन करना है जिसका क्वेश्चन नंबर होता है हमेशा 91 to 120। इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिए, जब भी प्रैक्टिस करें तो आप 91 to 120 के क्वेश्चन ही सॉल्व करें, तो आपको लैंग्वेज वन में वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेक्स्ट जो आपका आता है लैंग्वेज टू, वो क्वेश्चन शुरू होंगे 121 से 150। इस लैंग्वेज टू में भी दो पार्ट होंगे, पार्ट वन पार्ट टू, तो आपको पार्ट टू में करना है 121 to 150। यहाँ इस लैंग्वेज वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा गलतियाँ लोगों से हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब वो बाद में चेक करते हैं आंसर की से तो उनको पता चलता है कि हमने लैंग्वेज ही गलत सॉल्व कर दी है। ये आपके एडमिट कार्ड पर भी मेंशन होता है, तो आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं। सेम फॉलो होता है हमारा पेपर टू में, तो पेपर टू को भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि CDP यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक था, तो यहाँ पर भी हमारा ये तो पैटर्न फिक्स है। नेक्स्ट जो आता है, यहाँ आता है आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है
यदि आप मैथ्स एंड साइंस की तरफ से हैं तो मैथ्स साइंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। यहाँ पर मैथ्स और ईवीएस था तो अलग अलग था, यहाँ कंबाइन है। तो 31 से लेके 90 तक के 60 क्वेश्चंस आपको मैथ और साइंस के करने हैं। यदि आप मैथ साइंस से नहीं है, एसएसटी बैकग्राउंड से हैं, तो आप एसएसटी के क्वेश्चन 31 to 90 तक के करेंगे। यहाँ से 31 to 90 नंबर सेम रहेंगे, मैथ साइंस लिखा रहेगा, तो आप 31 से 90 तक के करेंगे। यदि आप एसएसटी की तरफ से हैं तो एसएसटी के 31 से 90 तक के क्वेश्चन करेंगे। यही सेम पैटर्न फॉलो होगा आपका लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। जैसे मैंने आपको पेपर वन में बताया, वैसे ही सेम पेपर टू में भी है। यहाँ पर भी आपको 91 to 120 लैंग्वेज वन रहेगी और लैंग्वेज टू आपका 121 to 150 यानी 91 से 120 तक पहले लैंग्वेज वन रहेगी और 121 से 150 तक आपके 30 क्वेश्चन लैंग्वेज टू के रहेंगे। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, यदि आपने लैंग्वेज टू में संस्कृत सब्जेक्ट लिया है, इंग्लिश नहीं लिया है, संस्कृत लिया है, तब वहाँ पर आपको एक एडिशनल बुकलेट मिलती है पेपर सॉरी लैंग्वेज टू के लिए। लैंग्वेज टू में दोनों ही पेपर, यदि आप लैंग्वेज टू में संस्कृत लिए हैं पेपर वन में भी पेपर टू में भी, तो आपको एक अलग से एडिशनल इस तरह से छोटी सी एक एडिशनल क्या मिलती है, बुकलेट मिलती है, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आपको वो बताया, जैसे कि भाग एक आप देख सकते हैं कि भाग चार इसलिए लिखा है क्योंकि ये भाग चार की भाषा के बारे में बात हो रही है और ये भाग चार, यहाँ पे डिवीज़न होते हैं, जैसे कि भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, ये पेपर टू का है तो यहाँ पे भाग चार लिखा हुआ है लैंग्वेज टू के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चंस हैं 91 से लेके 120 तक, इस आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरे से दिखा दूँ, 91 to 120 तक। तो यदि आपने लैंग्वेज टू ली है तो आपको मैंने क्या बताया कि 91 से सॉल्व नहीं करना है, ये गलतियां बहुत सारे लोग कर देते हैं, तो आपको सॉल्व करना है 121 से। यदि आपने लैंग्वेज टू ली है संस्कृत, तो आपको कहाँ से सॉल्व करना है, आप कैमरे में देख सकते हैं, 121 से 150 तक के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है जो आपके लैंग्वेज टू में संस्कृत से हैं। यदि आप इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में भी सेम है ये, यदि आप संस्कृत लैंग्वेज लेते हैं तब आपको ये एडिशनल बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट मिलती है, यदि आप इंग्लिश लेते हैं तो आपको मेन बुकलेट में ही इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएंगे, यहाँ आपको कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिए, यदि आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, कमेंट में यदि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, मैं आपको वहाँ पर एक एक चीज़, और यदि और भी मुझे लगा कि यदि और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो मैं वीडियो भी लाऊंगा, वीडियो के थ्रू मैं आपको फिर से समझा दूंगा कि कहाँ क्या गलतियाँ होती हैं। लैंग्वेजेस में बहुत गलतियाँ होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर ही याद कर लीजिए, मुझे क्वेश्चन नंबर 91 के 120 तक 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस, और इसी तरह से लैंग्वेज टू में 120 से 150 तक के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे वो पेपर एक के हों चाहे पेपर दो के हों, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भी थोड़ा डाउट हो सकता है, मैथ्स एंड साइंस के सॉल्व ना करने लगी है यदि आप एसएसटी बैकग्राउंड से हैं, और यदि एसएसटी से नहीं है तो फिर एसएसटी के क्वेश्चन को स्किप करना है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, आपको केवल मैथ साइंस के क्वेश्चन 31 से 90 के सॉल्व कर देने, और इसके बाद आप अपनी लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू की तरफ चले जाएंगे पेपर में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने आपको 120 वाला टारगेट दिया हुआ है, इस चीज़ को भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, और यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसमें भी जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चंस या प्रैक्टिस सेट अपलोड करता रहूँगा, वहाँ से आप PDF ले लीजिए। और यदि आपको OMR सीट की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वेबसाइट abhishekasaticlasses.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद।